गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। क्यूज कंपटीशन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, रीट प्री के जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रीट प्री लेवल वन के जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका एक सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन, वो पर्यावरण अध्ययन यूट्यूब पर मेरी तरफ से कम्प्लीट आपको निःशुल्क रूप से पूर्ण कराया जाएगा। EBS पर्यावरण अध्ययन और हमारा जो टारगेट है वो रीट प्री 2023-24 को लेकर ये वीडियो यूट्यूब पर आपको पर डे मिलेंगी, अपलोड की जाएंगी। पर डे मेरे द्वारा एक वीडियो आपको दी जाएगी, जिसमें पर्यावरण अध्ययन के जितने सारे भी आपके जो चैप्टर हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनको हम बारीकी से और गहनता से अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए साथियों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, मेरा नाम है अंकित भार्गव और आप क्यूज कंपटीशन क्लासेज के इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। चलिए, आपके पांच इकाई हैं साथियों, पर्यावरण अध्ययन EBS जिसको हम बोलते हैं, उसमें पांच इकाई हैं। इकाई फर्स्ट आज हम शुरू करने वाले हैं, उसका पहला चैप्टर है परिवार, अर्थात फैमिली। पहला चैप्टर क्या है साथियों? फैमिली। तो उसको हम शुरू करने वाले हैं। देखिए साथियों, एक बार मैं आपको समझा दूँ, पाँच इकाई हैं आपकी। बिल्कुल पहले चैप्टर से हम प्रारंभ करने वाले हैं। EBS रीट लेवल वन और रीट प्री के लिए EBS जो आपका आता है, आप इससे CTET दे सकते हैं, MTET दे सकते हैं, UPTET दे सकते हैं, सब में सिलेबस सेम होता है। तो इसलिए EBS जो आपका चलता है उसमें इकाई फर्स्ट में आपका पहला चैप्टर है परिवार, आज हम उसी चैप्टर को लेकर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर सामाजिक बुराइयाँ। दूसरा चैप्टर क्या है साथियों? सामाजिक बुराइयाँ, ठीक है। और तीसरा चैप्टर है साथियों आपके वस्त्र एवं आवास। देखो, रीट लेवल वन EBS जो आपका पर्यावरण अध्ययन जो चलता है, उसमें इकाई फर्स्ट में ये तीन चैप्टर दे रखे हैं। परिवार अर्थात फैमिली, सबसे पहले हमको समझना है कि परिवार क्या होता है, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने परिवार की क्या परिभाषाएं बताई हैं, परिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार के रूप क्या होते हैं, परिवार के प्रकार क्या होते हैं और आजकल क्यों परिवार टूट रहे हैं, इन सबको हम परिवारों में पढ़ेंगे। सामाजिक बुराइयों में नशाखोरी हो गया, दहेज प्रथा हो गया, इन सबको सामाजिक बुराइयों में हम पढ़ने वाले हैं। और वस्त्र एवं आवास, ये सब पढ़ने के बाद किस तरह के लोग राजस्थान में, भारत में या किसी भी प्रदेश में वस्त्र पहनते हैं, किस तरह से उनका आवास है, चाहे वो स्थलीय आवास हो, जलीय आवास हो, सभी जीवों का, सभी मनुष्यों का, सभी प्राणियों का हम आवास एवं वस्त्र पढ़ने वाले हैं। तो ये तीन चैप्टर इकाई फर्स्ट से संबंधित थे जो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। तो चलिए साथियों, हम बिना देरी करें शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन। ये पहली वीडियो है साथियों और आपको इसके बाद कंटिन्यू पर डे वीडियो एक मिलती रहेगी। आपकी EBS का संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा मेरे द्वारा, तो आप निश्चिंत रहें। चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए, परिवार सबसे पहले इसका सामान्य हम अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि परिवार सामान्य रूप से होता क्या है। देखिए, परिवार को अंग्रेजी या लेटिन भाषा में फैमिली कहते हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। इसमें क्या नया है? इसमें कुछ नया नहीं है कि परिवार को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन जो फैमिली शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फैमला शब्द से हुई है। किससे हुई है साथियों? फैमला शब्द से। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो फैमिली शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो फैमला शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नौकर या समूह। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? नौकर या समूह। बस ये दो लाइनें आपको याद रखनी है। कौन सी दो लाइनें याद रखनी है? ये याद रखना है कि परिवार जो है, परिवार को अंग्रेजी भाषा में फैमिली बोलते हैं। फैमिली जो शब्द है वो फैमला से बना है। वो किससे बना है साथियों? फैमला से बना है। और फैमला शब्द का अर्थ होता है नौकर या समूह, ये आपको याद रखना है। चलिए, परिवार का ये हमने सामान्य परिचय समझा, अब हम परिवार का अर्थ समझते हैं। वास्तविक रूप में परिवार का अर्थ क्या होता है? देखिए, वास्तविक रूप में परिवार का अर्थ समझते हैं। परिवार का अर्थ होता है वह स्थान जहां दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न या विपरीत हम बोल सकते हैं, भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के लोग या व्यक्ति निवास करते हों, उसे परिवार कहते हैं। भिन्न भिन्न लिंगीय या विपरीत
भिन्न भिन्न लिंगी है या विपरीत लिंगी है व्यक्ति या समूह निवास करते हों उसे क्या बोलते हैं, हम परिवार बोलते हैं। जैसे सामान्य भाषा में समझाऊं तो आपको स्त्री एवं पुरुष ये मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऐसा स्थान जहाँ दो या दो से अधिक या भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के लोग या व्यक्ति निवास करते हों उसको हम क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। ये आपकी परिवार की सामान्य परिभाषा हो गई। ये जरूर याद रखें कि भिन्न भिन्न लिंगीय होने चाहिए। मान लीजिए दो लोग हैं, दो पुरुष हैं, मान लीजिए दो पुरुष हैं, वो साथ में निवास करते हैं, तो क्या उनका परिवार बनेगा? जी नहीं, उनका परिवार नहीं बनेगा। परिवार के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि एक स्त्री होनी चाहिए यानी विपरीत लिंगी और एक पुरुष होना चाहिए, दोनों विपरीत लिंगी होने चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, परिवार बोलते हैं। ये परिवार की कंडीशन है। आप रजिस्टर पेन लेकर देखिए बैठिए साथ में, क्योंकि मैं जो EBS के आपको जो नोट्स बनवा रहा हूँ ये नोट्स आपके लिए रीट प्री CTET UPTET MPTET सभी में काम आने वाले हैं। उसी को देखकर मैं बिल्कुल शॉर्ट बेस में और बहुत अच्छे नोट्स बनाने के लिए आपकी कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए आप कॉफी पेन लेकर अवश्य बैठें। अब हम आगे चलते हैं कि परिवार की परिभाषाएं क्या होती हैं, कौन कौन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने परिवार को परिभाषित किया है। तो देखिए परिवार की विभिन्न परिभाषाएं हमको पढ़नी है, कई परिभाषाएं, लेकिन वो परिभाषाएं मैं लेकर आया हूँ जो CTET में पूछी गई हैं, MPTET में पूछी गई हैं, रीट प्री में भी कई बार पूछी गई हैं, उन परिभाषाओं को मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। देखिए परिवार की परिभाषाएं, सबसे पहले नाम व्यक्ति आते हैं, मनोवैज्ञानिक आते हैं CH कोले। क्या नाम है साथियों? CH कोले। CH कोले जी कहते हैं कि परिवार एक प्राथमिक समूह है। परिवार क्या है साथियों? एक प्राथमिक समूह है जिसे मानव स्वभाव अथवा प्रकृति का पोषक ग्रह कहा जाता है। परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसे मानव स्वभाव अथवा प्रकृति का पोषक ग्रह, शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है प्रकृति का पोषक ग्रह, परिवार को प्रकृति का पोषक ग्रह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, किसने कहा साथियों? CH कोले ने कहा। आपको याद रखना है परिवार का, परिवार को प्रकृति का पोषक ग्रह किसने कहा? CH कोले ने कहा, यह आपको याद रखना है। दूसरे वैद्य मनोवैज्ञानिक आते हैं अगस्त कामटे। क्या नाम है साथियों? अगस्त कामटे। अगस्त कामटे जी कहते हैं कि परिवार एक समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार क्या है साथियों? किसी भी समाज की आधारभूत इकाई है, अर्थात परिवार से ही कोई समाज का निर्माण होता है, हम ये कह सकते हैं। तो परिवार एक समाज की आधारभूत इकाई है, किसने कहा है साथियों? अगस्त कामटे ने कहा। यह भी परिभाषा आपको याद रखनी है। एक मनोवैज्ञानिक आते हैं प्लेटो। प्लेटो महोदय कहते हैं कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, CTET में पूछा गया है। प्लेटो नामक महोदय जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, अर्थात बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार। परिवार में रहकर ही बालक सब कुछ सीखता है सर्वप्रथम, तो इसलिए बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार। किसने कहा? प्लेटो महोदय ने। यह भी आपको याद रखना है। एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है इलियट। इलियट महोदय कहते हैं कि परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है। परिवार क्या है साथियों? एक जैविक सामाजिक इकाई है। कौन कहते हैं? इलियट महोदय कहते हैं। क्लेमर महोदय आते हैं, क्लेमर महोदय कहते हैं परिवार संबंधों की व्यवस्था की प्रणाली है, अर्थात क्लेमर महोदय कहते हैं कि परिवार क्या है? संबंधों की व्यवस्था की प्रणाली है, अर्थात हम संबंध कैसे बनाएं, ये परिवार, परिवार में रहकर ही हम संबंधों को बना सकते हैं, इसलिए परिवार संबंधों की व्यवस्था की एक प्रणाली है। कौन कहते हैं? क्लेमर महोदय। इलियट महोदय क्या कहते हैं? परिवार एक जैविक सामाजिक क्रिया है, इकाई है। प्लेटो महोदय क्या कहते हैं? कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। अगस्त कामटे जी कहते हैं कि परिवार एक समाज की आधारभूत इकाई होती है। और CH कोले महोदय कहते हैं कि परिवार जो है एक प्राथमिक समूह है जिसे मानव स्वभाव अथवा प्रकृति का पोषक ग्रह कहते हैं। ये पांच परिभाषाएं, पांच डेफिनेशन है, आपको जरूर याद रखनी है। चलिए एक मिनट, तो ये पांच परिभाषाएं जो आपको जरूर याद रखनी है क्या है? CH कोले महोदय की, अगस्त कामटे जी की, प्लेटो जी की, इलियट जी की और क्लेमर जी की। ये पांचों की पांचों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए परिवार के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम परिवार की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे परिवार की विशेषताओं को लेकर, कि परिवार की आखिर विशेषताएं क्या होती हैं, किसको हम परिवार बोल सकते हैं, उन सब के ऊपर हम चर्चाएं करने वाले हैं। देखिए परिवार की विशेषताएं, पहली विशेषता बालक की आधारभूत इकाई होती है। परिवार
बालक की आधारभूत इकाई होती है। पहली परिभाषा क्या है कि परिवार जो है वो बालक की क्या होती है, आधारभूत इकाई होती है। दूसरी विशेषता है कि बालक की प्रथम पाठशाला होती है। परिवार क्या है, बालक की प्रथम पाठशाला होती है। तीसरी विशेषता है कि सभी सदस्यों की आय परिवार में एक साथ जमा होती है। सभी सदस्यों की आय परिवार में एक साथ जमा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। परिवार में समान आवास होता है, परिवार में सभी के लिए समान आवास होता है, समान भोजन होता है, परिवार में सभी के लिए समान आवास होता है, समान भोजन होता है एवं सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग होता है। देखिए, परिवार में सुबह जो खाना बनाए वही घर का मुख्य पुरुष खाएगा, वही बच्चे खाएंगे, वही महिलाएं खाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से खाना बने, अलग से किसी के लिए कोई खाना बनाए या कहीं बाहर से मंगाए। तो समान तो आवास होता है, परिवार में समान रूप से रहते हैं, जैसे घर सबके होते हैं वैसे ही अन्य परिवार के लोगों के भी होते हैं। समान भोजन होता है और सभी सामाजिक जो क्रियाएं होती हैं, जो दैनिक जीवन की हमारी जो सभी सामाजिक क्रियाएं, उनका उपभोग भी सभी साथ साथ करते हैं। तो समान आवास, समान भोजन एवं सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी माता पिता की या संरक्षक, संरक्षक मतलब दादा दादी। परिवार में बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी अर्थात बच्चों के पालने की जिम्मेदारी किसकी रहती है, माता पिता की या फिर उनके संरक्षक की रहती है। विवाह के उपरांत परिवार का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट लगाना भाई इस पॉइंट को। विवाह नहीं होगा तो परिवार का निर्माण नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको बताया, यदि दो महिलाएं साथ में निवास करती हैं तो उसको हम परिवार नहीं बोलेंगे, दो पुरुष यदि साथ में निवास करते हैं तो उसको हम परिवार नहीं बोलेंगे। परिवार कब बोलेंगे हम, जब दो विपरीत लिंगी, विपरीत स्वभाव के व्यक्ति साथ में निवास करें, उसको क्या बोलेंगे हम, परिवार बोलेंगे। तो विवाह के उपरांत ही परिवार का निर्माण होता है, ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट लगा के याद रखनी है, अच्छे से लिखो इसको। रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट लगाना। एक बार पूछा था क्या परिवार में रक्त संबंधों का होना अनिवार्य है, जी नहीं, परिवार में रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं। इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, कोई दंपत्ति है, कोई माता पिता है या कोई पति पत्नी है, उनके संतान नहीं है। जब उनके संतान नहीं है तो वो किसी और छोटे बच्चे को, शिशु को गोद लेते हैं, तो क्या उनका रक्त उस बच्चे से मिल रहा था क्या, जी नहीं, उससे तो मिल नहीं रहा, लेकिन उसका परिवार बना कि नहीं बना, उसका परिवार बन गया। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि परिवारों में रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं है, ये आपको इम्पोर्टेंट याद जरूर रखना है। बच्चों के बीच अपनत्व का भाव रहता है, बिल्कुल जी हाँ, परिवार में बच्चों के बीच अपनत्व का भाव रहता ही है। ये हमारे दादा हैं, ये दादी है, चाचा है, चाची है, भुआ, मौसी, फूफा, सभी, तो बच्चों में अपनत्व का भाव रहता है। परिवार के अंदर बच्चों में क्या रहता है, अपनत्व का भाव रहता है। तो ये परिवार की विशेषताएं हैं, आपको याद रखनी है, अच्छे से नोट्स कर लो इनको। बालक की आधारभूत इकाई परिवार होता है, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है, सभी सदस्यों की आय एक साथ जमा होती है परिवार में, समान आवास होता है, समान भोजन होता है और सभी सामाजिक जो क्रियाएं हैं उनका उपयोग साथ साथ किया जाता है। विवाह के उपरांत परिवार का निर्माण होता है, बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी माता पिता या उनके संरक्षक की होती है और रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं है और बच्चों के बीच अपनत्व का भाव रहता है। ये परिवार की मुख्य विशेषताएं हैं, इनको आप याद जरूर रखें। चलिए आगे चलते हैं हम, परिवार के प्रकार। देखिए, परिवार कितने प्रकार का होता है ये भी हमको चर्चाएं करनी चाहिए। तो परिवार के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, दो तरह के परिवार होते हैं, दो तरह के सामान्य रूप से परिवार होते हैं। पहले होते हैं एकल परिवार, दूसरे संयुक्त परिवार। तो परिवार के प्रकार आपसे पूछे जाएं तो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के परिवार हमको देखने मिलते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। देखिए, एकल परिवार ऐसा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनकी अविवाहित बच्चे साथ रहते हों, उसको क्या बोलते हैं साथियों, एकल परिवार बोलते हैं। ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे साथ में रहते हों उसे क्या बोलते हैं, एकल परिवार बोलते हैं। संयुक्त परिवार ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी अर्थात हम कह सकते हैं माता पिता एवं उनकी विवाहित संतानें साथ में निवास करती हों उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार बोलते हैं। अब इस फोटो को देखिए आप, जरा देखिए, ये माता, ये पिता और ये इनके अविवाहित बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं ना आपको, ये अविवाहित बच्चे, ये किसका उदाहरण है, एकल परिवार का। किसका उदाहरण है साथियों, एकल परिवार का, मतलब ऐसा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे साथ में निवास करते हों उसको क्या बोलते हैं साथियों, एकल परिवार बोलते हैं।
और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में ऐसा परिवार जिसमें स्त्री पुरुष एवं उसके विवाहित बच्चे साथ में रहते हों। ये फोटो देखिए आप, चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अच्छे से देखिए आप, ये फोटो देखिए अब आप, ये दादा दादी हैं हम कह सकते हैं, और ये उनके बड़ा बेटा होगा उनकी बहू हैं, ये उनका छोटा बेटा होगा उनकी बहू साथ में बैठी हैं, और ये उनके भी बच्चे बैठे हैं, ये इधर हो सकता है इनकी लड़की हो। तो संयुक्त परिवार किसे बोलते हैं जिसमें माता पिता एवं उनके विवाहित इनकी शादी हो गई वो साथ में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम संयुक्त परिवार। जबकि एकल परिवार किसको बोलते हैं जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे साथ में रहते हों, उसको हम क्या बोल सकते हैं एकल परिवार बोल सकते हैं। तो ये परिवार के दो रूप हो गए या दो प्रकार हो गए। तो चलिए आगे चलते हैं, हम अब पढ़ेंगे हम परिवार के रूप। देखिए ये परिवार के वैसे रूप है, सामान्य रूप से देखा जाए तो हमें दो तरह के परिवार देखने को मिलते हैं, एक होते हैं पितृसत्तात्मक एक होते हैं मातृसत्तात्मक, दो तरह के देखने को मिलते हैं। लेकिन हम इनको ये भी कह सकते हैं परिवार के रूप के अलावा क्या स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, परिवार का वर्गीकरण या परिवार के प्रकार। स्वामित्व से मतलब है अधिकार, स्वामित्व का अर्थ क्या है अधिकार के आधार पर परिवार का वर्गीकरण, हम इसको ये भी बोल सकते हैं। मेरे अनुसार ये परिवार के रूप है, रूप का अर्थात हम ऐसे ही परिवार देखते हैं, या तो हम कैसे परिवार देखते हैं कोई परिवार पितृसत्तात्मक है या हम देखते हैं कोई परिवार मातृसत्तात्मक है, तो ये परिवार के रूप है। लेकिन आप इसको ये भी लिख सकते हो कि अधिकार या स्वामित्व के आधार पर परिवार के प्रकार, अधिकार या स्वामित्व के आधार पर भी परिवार दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है पितृसत्तात्मक, दूसरा होता है मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक परिवार कैसा होता है, वह परिवार जिसमें सभी शक्तियां परिवार के सबसे ज्येष्ठ पुरुष मुखिया, ज्येष्ठ पुरुष मुखिया अर्थात हम कह सकते हैं दादा, हमारे दादाजी, या हम कह सकते हैं हमारे पिताजी। तो ऐसा परिवार जिसमें घर की सभी शक्तियां किसके पास हों, पुरुष के पास हों या हमारे घर के मुखिया के पास हों, उसको क्या बोलेंगे हम पितृसत्तात्मक परिवार बोलेंगे। मातृसत्तात्मक परिवार वह परिवार जिसकी सभी जिसमें सभी शक्तियां माँ के पास अर्थात हम कह सकते हैं कि घर की स्त्री के पास हों, उसको हम क्या बोल सकते हैं मातृसत्तात्मक परिवार बोल सकते हैं। सीधा सा मतलब है कि घर में अगर पिता की चलती है हर चीज़ में, पिता से ही पूछकर कोई कार्य किया जाता है, पिता जो बोल दे या मुखिया जो बोल दे वही कार्य हो, तो वह पितृसत्तात्मक परिवार है। और यदि माँ के अनुसार कोई परिवार चलता है, कोई घर चलता है, माँ ने जो डिसीजन ले लिया वही मान्य हो, किसी भी स्त्री ने जो डिसीजन ले लिया वही मान्य हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं मातृसत्तात्मक परिवार बोल सकते हैं। ये दो परिवार के रूप हो गए, या स्वामित्व या अधिकार के आधार पर परिवार के प्रकार हो गए। दो प्रकार हैं, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। देखिए जो पितृसत्तात्मक परिवार है वो हमारे मध्य भारत में देखने को मिलता है, मध्य भारत भी मानो और पश्चिमी भारत भी मान लो आप, ये आप लिख लेना। जो पितृसत्तात्मक परिवार है वो मध्य भारत में, उत्तर भारत में हमको देखने को मिलता है, जबकि जो मातृसत्तात्मक परिवार है ये हमको दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है साथियों, दक्षिण भारत में। मातृसत्तात्मक परिवार हमको कहाँ देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में, जबकि पितृसत्तात्मक उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में और पश्चिमी भारत में हमको पितृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। तो ये परिवार के रूप हो गए दो। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे देखिए, हमने पढ़ा परिवार का सामान्य परिचय, परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषाएं, परिवार की विशेषताएं और परिवार के प्रकार और परिवार के रूप। अब हम पढ़ेंगे कि आजकल परिवार टूट क्यों रहे हैं, क्या कारण है कि परिवार बार बार टूट रहे हैं, हम देख रहे हैं ये परिवार भी अलग हो गए, तो इसके हम कारणों के ऊपर चर्चाएं करेंगे विस्तृत रूप से। देखिए परिवार के विघटन का कारण, परिवार का विघटन, देखिए विघटन का अर्थ ये नहीं होता है कि समाप्त होना, ये आप पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए आपका, विघटन का अर्थ समाप्त होना नहीं है, विघटन का अर्थ क्या है टूटना, क्या है साथियों टूटना। तो आप लिख सकते हो परिवारों के टूटने का कारण, या आप सीधा लिख लो परिवार के विघटन का कारण। सबसे पहला कारण स्वतंत्र रहने की इच्छा, हर किसी के मन में आजकल स्वतंत्र रहने की इच्छा है, कोई किसी की नई शादी हुई है, कोई नवविवाहित बहू है तो वो भी सोचेगी कि मैं मेरी सास की क्यों सुनूं, तो इसलिए स्वतंत्र रहने की इच्छा, हर किसी के अंदर स्वतंत्र रहने की इच्छा।
परिवार के विघटन का एक मुख्य कारण है। दूसरा, निर्धनता का होना। कोई गरीब है, शहर जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है काम करने के लिए, तो निर्धनता गरीबी भी एक मुख्य कारण है परिवारों के विघटन का। परिवार की आर्थिक स्थिति का निम्न होना, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वे कार्य करना चाहता है इसलिए वे अपने जो मूल निवास है उसको छोड़कर कहीं अन्य जाना चाहता है, अन्यत्र जगह पर जाना चाहता है, ये भी मूल रूप से कारण हो सकता है परिवार के विघटन का, परिवार के टूटने का। उच्च शिक्षा का होना, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग माता पिता को कुछ नहीं समझते हैं, बोलते हैं क्या किया है तुमने मेरे लिए फलाना ढिमका, तो उच्च शिक्षा का होना भी परिवार का क्या है विघटन का एक कारण हम मान सकते हैं। बाहरी हस्तक्षेप, बाहरी हस्तक्षेप आजकल हम देखते हैं सर्वाधिक बाहरी हस्तक्षेप की वजह से परिवारों का विघटन होता है, क्योंकि कोई समस्या है, कोई बात है, उसको परिवार के लोग आपस में ना सुलझाकर बाहरी लोगों का साथ लेते हैं, बाहरी लोगों को अपने घर में एंट्री देते हैं जो समस्या पर समाधान करें, बल्कि वो क्या करते हैं और परिवार को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये हो गया परिवार के विघटन के मुख्य कारण। बाहरी हस्तक्षेप याद रखना, स्वतंत्र रहने की इच्छा, निर्धनता का होना, परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न होना और उच्च शिक्षा का होना, ये परिवार के टूटने के कारण है। अब एक आपके कंसेप्ट आता है परिवार में आपसी संबंध। देखिए, आपसी संबंध को आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपसी संबंध आप सभी बच्चे जानते हो। आपसी संबंध में वही दादा दादी, मामा मामी, बुआ फूफा, ये सब आपसी संबंध होते हैं। वैसे ही आप लिखना चाहो तो लिख लो आपसी संबंध, ये लिख रहा दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, ये आपसी संबंध होते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने साथियों पढ़ा परिवार, क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा परिवार, अर्थात हम कहीं तो फैमिली पढ़ा हमने साथ। देखिए इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा इसका अर्थ, हमने पढ़ा इसका सामान्य परिवार परिचय, परिवार का हमने अर्थ पढ़ा, सामान्य परिचय पढ़ा, परिवार की हमने परिभाषाएं पढ़ी, अर्थ पढ़ा, सामान्य परिचय पढ़ा, परिभाषाएं पढ़ी, और हमने क्या पढ़ी, परिवार की विशेषताएं पढ़ी। और हमने क्या पढ़ा, परिवार के प्रकार पढ़े। और हमने क्या पढ़ा, परिवार के रूप पढ़े। एक मिनट, और हमने पढ़ा परिवार के विघटन के कारण। देखिए ये सात चीजें हमने मूल रूप से पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा परिवार का अर्थ, परिवार को क्या बोलते हैं, फिर हमने पढ़ा परिवार का सामान्य परिचय, फिर हमने पढ़ा परिवार की विभिन्न जो परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उसको पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा परिवार की जो मूल रूप से क्या विशेषताएं हैं, किसको हम परिवार बोल सकते हैं उसको पढ़ा है, फिर हमने परिवार के प्रकार पढ़े जिसमें संयुक्त परिवार, एकल परिवार को हमने समझा, उसके अलावा फिर हमने पढ़ा परिवार के रूप, या हम इसको बोल सकते हैं स्वामित्व के अधिकार के आधार पर परिवार के प्रकार, तो ये हमने रूप भी पढ़े, और उसके अलावा हमने पढ़ा परिवार के विघटन के कारण, एक हमने आपसी संबंध भी पढ़ा, एक क्या पढ़ा हमने, आपसी संबंध। देखिए अब मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं, मैं जितना आपको लिखा रहा हूं, जितना आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपके लिए इनफ है, ये आपके लिए काफी है। आप इधर उधर की किताबों को देखोगे, इधर उधर की गाइडों को पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत कुछ मिलेगा परिवार के बारे में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो चैप्टर पढ़ें, वो कंसेप्ट पढ़ें। मैं उन्हीं कंसेप्टों को, उन्हीं चैप्टर को लेकर आया हूँ जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परिवार में परिवार की उत्पत्ति पूछी जा सकती है, परिवार की परिभाषा में से कोई सा कंसेप्ट पूछा जा सकता है, परिवार के प्रकार में से कोई सा पूछा जा सकता है, या विशेषताओं में से कोई सा पूछा जा सकता है कि कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है। तो इस तरह मैंने शॉर्ट वे में, अच्छे वे में, अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने का एक प्रयास किया है। आशा और उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
और हमारे रीट लेवल वन का व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़ने के लिए इस नंबर पर हमें एसएमएस करें, व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेजें आपके नाम के साथ, रीट लेवल वन के यदि आप विद्यार्थी हो तो इस नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।